ये दीछे वो है जी, पर्दा निकल रहा है ये। हेलो दोस्तों, तो आज है शुक्रवार और बजे है सुबह के 7 और अभी जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सबसे दिन की शुरुआत मेरी नहा के सीधे मंदिर से ही होती है। पढ़ो, उसके बाद घर आओ, चाय पियो, खाना खाओ, नाश्ता करो, जो करना हो करते रहो। तो आज मंदिर जा रहे हैं, अभी आज नहीं डेली जाते हैं, तो मंदिर से आके फिर अपन चाय पीते हैं अपन नहीं मैं, ठीक है। और इनको ये बनाएंगे चाय और ये चाय हमें पिलाएंगे, ये बोले मैं और मैं, तो पहले मंदिर चले फिर चाय पिए, है ना। और आज कुछ अपन को रात में कुछ अपन लेके आए थे, एक सरप्राइज है, वो अपन को इनको शेयर करना है। तो अपन अभी शाम को ऑफिस से आने का बताएंगे, ठीक है। चलो मंदिर चलते हैं। अरे जय जय माघी पंडित जी, रात में आ नहीं पाए पंडित जी। अब जन्म हो सही गए, चौको का है अच्छी सजावट बहुत अच्छी करी, लेकिन जय कृष्ण भगवान। तो जिस सरप्राइज की बात कर रहा था वो सरप्राइज आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो सरप्राइज मिला है, जो उस सरप्राइज के बारे में इनको भी नहीं पता है, अभी पता है तो वो मैं लेके आया हूँ, लाया इन्हीं के लिए हूँ। तो आज इनको भी मिलेगा सरप्राइज और आपको भी सरप्राइज मिलेगा। तो अभी बताते हैं वो क्या सी चीज़ है। वो अभी पैक है, मैंने अभी इनको क्यों बताया नहीं, तो इसलिए पैक है ये। एक ये फ्रेम है, तो आपको देखते जाएंगे काहे का फ्रेम है ये, और खोलते हैं इसको। चलो मोबाइल पकड़ो तुम, इसको खोल के बताएं और आप भी बताना कैसा लगे। पर्दा निकल रहा है ये। वाओ कैसा लगा, बहुत प्यारी है, बहुत ही शानदार। एक पोर्ट्रेट क्या वाली इसको पेंटिंग है, राधा कृष्ण जी हैं। मैं क्या मार्केट में घूम रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मुझे दीदी के बारे में पता लगा, तो मैंने कहा इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसको ले लिया है। और आपको रेट जानना है इसका क्या है, क्योंकि हमारे जौनपुर में ऐसी काफ़ी मिल जा रही है, तो अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे, आप कमेंट करेंगे इसका रेट ही बता देंगे और बता देंगे कहाँ मिलेगा जौनपुर में। तो इसको दीवार में लगाएं, कहाँ लगाएं बताओ, लगा के देख लेते हैं कहाँ जाते हैं। बता कैसी है, अच्छा लग रहा है, हाँ ना, पता नहीं यार, वहाँ यहाँ लगा लेते हैं, वहाँ लगा लेते हैं कि नहीं, अपन देख ले रहा कौन सी दिशा में लगाते हैं। हाँ। तो तुम लाओ हथौड़ी और कील लेके आओ, तो फिर फोटो ये भगवान का फ्रेम लगाने का यहाँ हुआ है डिसाइड, तो इस दीवार लगाया है ना, तो उसके पहले अपन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, एक हथौड़ी और दो खील, खील मतलब खिलियाँ, जे रखी हैं खील। चलो इसमें रखा है सब सामान अपना। कौन कह रहे जी, ये हथौड़ी तो यहाँ लगाना है, लेकिन यहाँ पहले से की लगी, तो उसको निकाल ले पहले, गए कील लगी। ये मीटर क्या है, अब देखो पहले देखो बराबर कहाँ है, सही है, है? नहीं।
जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बस नीचे रहने दो, खड़ी होते जा। क्या करें, बहुत मेहनत के बाद हो गई है, अपनी फोटो लग गई है, इंस्टॉल हो गई दीवार में, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लगी, नहीं लगी। अब बैठे ठहरे, नई फरमाइश आ गई है, बोल रहे हैं पॉपकॉर्न बनाओ। पॉपकॉर्न हम बनाए, कहे कहे बनाए हम पॉपकॉर्न, हम अच्छे बनाते पॉपकॉर्न, अच्छे का है वो तो, क्या कुकर में डाल दो। तो चलो ठीक है, हम बना रहे हैं और सब दिखाए सबको हम कितना काम कर रहे थे। भैया सबसे पहले पॉपकॉर्न का पैकेट और पॉपकॉर्न बनाए अपन। कुकर हो गया है गरम, अब डाल दे पॉपकॉर्न नरम नरम। ये दीछा हो गया, जल्दी हो गया यार। हाँ यार, पॉपकॉर्न बनाने के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। पॉपकॉर्न हो गए रेडी, अपने स्पेशल पॉपकॉर्न। गिरना नहीं एक भी। रात के 11 बजे क्या बन रहा है ये? आप बताओ क्या बन रहा है? हैं? आप बताओ ये क्या रात के 11 बजे बना रही है? भेल, भेल बना रही हो? ये भेल बना रही है, मार्केट में मिलती है भेल और उससे ज़्यादा अच्छा ये बनाती है। चलो ठीक है, भेल बनाओ, खाएं भेल भी। ले आए भेल, चलो तुम्हें भेल टेस्ट करें। दिखने में तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, खा के देखना कैसी लग रही है। बजे है रात के 11 और 11 बजे पता नहीं कौन सा शौक चला तो भेल बना दिया, मतलब कुछ खाना है तो अभी भेल खाते हैं और ये ब्लॉग को इसी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे कल।